अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं दरगाह के अंदर हूँ और आज माशाल्लाह जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे मुबारक के दिन के मुख्य क्या मंजर रहेगा दरगाह के अंदर वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और माशाल्लाह अभी जुम्मे की नमाज से पहले का क्या मंजर रहेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हमारे चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो दोस्तों कैमरा घुमाते, पूरा अच्छा कैसा मंजर है दरगाह के अंदर आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों अभी मौजूद हूँ मैं दरगाह के अंदर और आज जुम्मे का दिन है माशाल्लाह, तो जुम्मे की नमाज से पहले क्या मंजर रहता है दरगाह के अंदर वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और अभी जुम्मे की नमाज़ को लगभग आधा घंटा बचा हुआ है, तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर रहता है जुम्मे की नमाज़ से पहले का। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो देख सकते हैं अभी साजानी मस्जिद का ये मंजर है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और ये जो आप नीचे पर्दे देख रहे हैं अभी लगेंगे ऊपर, जिससे कि छांव बने और नीचे नमाज़ अदा कर सके माशाल्लाह। तो ये साजानी मस्जिद का बड़ा ही खूबसूरत मंजर है जुम्मे की नमाज़ से पहले का जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो ये जितने भी आपको पर्दे नज़र आ रहे हैं नीचे ज़मीन पे ही ऊपर लगाए जाएंगे, फिर नीचे साजानी मस्जिद में जो है नमाज अदा करी जाएगी। तो माशाल्लाह दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जो है साजानी मस्जिद का जो खूबसूरत मंजर था दिखा दिया हूँ, तो अभी चलते हैं अपन चन्नई दरवाजे की तरफ, वहाँ का भी किस तरह तमाम जैन की भीड़ देखने को मिलती है। तो चलते और आपको दिखाते हैं और चन्नई दरवाजे की आपको ज़ियारत भी कराते हैं। माशाल्लाह दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ जन्नई दरवाजे की तरफ और जन्नई दरवाजे की तरफ का ये बड़ा ही खूबसूरत मंजर है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं सामने की तरफ आपको जन्नई दरवाजा नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर ज़ायरीन अपने अकीदे के मन्नत के लाल धागे बांधते हैं और जिनकी जो ही मन्नत मुराद होती है वो पूरी होती है माशाल्लाह। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मंजर है जुम्मे की नमाज से पहले का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। माशाल्लाह दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ आस्थाने के 2 नंबर गेट की तरफ, पाइती गेट की तरफ। और अभी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत जो है कवाली की महफिल हो रही है सामने की तरफ आप देखेंगे तो, और तमाम मेहमान ज़ायरीन बैठ के जो है कवाली की महफिल में अभी कवाली सुन रहे हैं माशाल्लाह। काफ़ी खूबसूरत जो है अभी कवाली की महफिल हो रही है, तो चलिए आपको सुनाते हैं कवाली की महफिल किस तरह की हो रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया आस्थाने के 2 नंबर गेट की तरफ बड़ी खूबसूरत जो है कवाली की महफिल हो रही थी, तमाम मेहमान जैन बैठ के जो है कवाली की महफिल में जो है कवाली सुन रहे थे। तो ये जो मैंने आपको अभी का मंजर दिखाया था ये आस्थाने के 2 नंबर गेट की तरफ का था। और अभी देख सकते हैं तमाम मेहमान जैन अभी बैठे हुए हैं नमाज के लिए दरगाह में माशाल्लाह, और अभी आधा घंटा कुछ 20 मिनट बचे हुए अब नमाज के लिए। तो चलते हैं आस्थाने के 1 नंबर गेट की तरफ, वहाँ का भी कैसा मंजर होता है आपको दिखाते किस तरह तमाम मेहमान ज़ायरीनों की ज़ियारत के लिए लंबी लाइन लगी होती है और आपको आस्थाने मुबारक की ज़ियारत भी कराते हैं माशाल्लाह। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ आस्थाने के 1 नंबर गेट की तरफ और आस्थाने के 1 नंबर गेट की तरफ का ये मंजर है। और अभी देख सकते हैं सामने आपको लाइन नज़र आ रही होगी ज़ियारत के लिए आस्थाने मुबारक की तरफ, काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई है यहाँ से लेके और आस्थाने का जो 1 नंबर गेट है वहाँ तक काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है आप देख रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया हूँ देख सकते हैं लाइन ये लगी हुई है काफ़ी बड़ी लाइन ज़ियारत के लिए। और आस्थाने मुबारक की तरफ का ये मंजर है, यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लेडीज़ बैठी हुई हैं यहाँ पर आस्थाने के 1 नंबर गेट की तरफ। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है आज जुम्मे की
दिन दरगाह के अंदर माशाल्लाह दोस्तों, मैं आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ से होते हुए आ गया हूँ अभी आस्थाने के चार नंबर गेट की तरफ, जहाँ से ज़ायरीन ज़ियारत करके आस्थाने मुबारक में से बाहर की ओर आते हैं। तो माशाल्लाह देखेंगे सामने आपको भीड़ नज़र आ रही है। जैसे कि आस्थाने के चार नंबर गेट से ज़ायरीन जो होते हैं वो ज़ियारत करके बाहर की ओर निकल के आते हैं। और ठीक आस्थाने के चार नंबर गेट की तरफ देखेंगे तो सामने ही दिखेगा आपको बाबा फरीद साहब का चिल्ला मुबारक, जहाँ पर तमाम मेहमान जैन यहाँ पर आके मन्नत के मुराद के लाल धागे बांधते हैं। यहाँ भी मन्नत के मुराद लाल धागे बांधने से बताया जाता है मन्नत जो भी होती है वो पूरी होती है। माशाल्लाह बाबा फरीद साहब का चिल्ला मुबारक है। और ठीक चिल्ला मुबारक के सामने ये है अगरबत्ती दाना, जहाँ पर लोग जो है अगरबत्ती जलाते हैं और इस अगरबत्ती की राख को खाते भी है और अपने जिस्म पर लगाते भी है। तो इससे ये बताया जाता है जो भी इस अगरबत्ती की राख को लगाता है जो भी परेशानी बीमारी वो सब दूर होती है। तो माशाल्लाह ये जो बाबा फरीद साहब का चिल्ला मुबारक है ठीक सामने की ओर रखा हुआ है, और बाबा फरीद साहब का चिल्ला मुबारक आस्थाने के चार नंबर गेट की तरफ है माशाल्लाह। तो ये खूबसूरत मंजर था बाबा फरीद साहब का चिल्ला मुबारक की तरफ का, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ महफिल खाने की तरफ, और महफिल खाने की तरफ का बड़ा ही खूबसूरत मंजर है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पर्दे लगने स्टार्ट हो गए, जैसे कि देख सकते अभी, और ये पूरे पर्दे लगेंगे फिर जो है नमाज अदा करी जाएगी जुम्मे की माशाल्लाह। ये सामने वजू खाना है, तो चलिए आपको आगे से दिखाते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी पर्दे भी लगाए जाएंगे, और अभी जो है चल ही रहा है काम वैसे पर्दे लगाने का, देखेंगे आप ऊपर। तो इस तरह से जो है छांव का इंतज़ाम करा जाता है दरगाह के अंदर जुम्मे की नमाज जैसे कि अदा कर सके माशाल्लाह। तो ये महफिल खाने की तरफ से भी स्टार्ट हो गया, फिर जाएगा फिर साजानी मस्जिद जाएंगे, फिर साजानी मस्जिद जाके फिर वहाँ भी पर्दे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो माशाल्लाह अभी दोस्तों जुम्मे की नमाज़ का वक्त हो रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट कर जरूर से बताएं, अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको अजमेर शरीफ दरगाह से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपको इसी के साथ एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।